जामे ले लिखा है सेवा राम लबेदम सेवा में निवेदन आगे लिखा है सवा चार लीजा ली लगा लेटा खाएगे साले ली लगा लेटा ना खाएगे समाचार ये लिखा जाता है इतना का लिखिए बोले श्रीमान श्रीमान बोले भैया तुम्हें घर आओ तो बार बार पढ़ो भैया हाँ देश बंगल से चिट्ठी आई है राजा बोध के यहाँ से अच्छा और आज आपकी चूल्हे दावत है चूल्हो दावत ले अब सास को चूल्हो ले जाना पड़े हो अबे उल्लू के पट्टे चूल्हो ले जाना ना पड़े हो क्यों आज तुम्हारे घर चूल्हे में आग नहीं होगी सबकी दावत राजा बुद्ध के यहाँ है अच्छा आज मेरे कुलवाड़े में किसी के चूल्हे पर तबा नहीं रखा जाएगा और न आग पजरेगी सबकी दावत है तो एक काम करो भैया तुम ऊपर कपड़ा साफ कर ले और 360 नौकर हैं इन सबसे कह दे और दावत खान चलेंगे मैंने सबसे कह दिया है सब लोग तैयार है लेकिन दावत खाने में नहीं जाऊंगा क्यों भैया देख ले भैया हाँ दावत खाना और खिलाना कोई मामूली बात नहीं होती कैसे दावत खाने में भी कारण होता है तो सबकी दावत आई है तो क्या बात है मैं बताऊंगा तेरे लिए मैं क्यों नहीं जाऊंगा क्यों नहीं बताओ देख के अदले के बदले अरे दावत होती है अदले बदले मैं तुम्हें खबर दूं तो तुम मोए अच्छा अरे बदलो दावत भाग में नाहे सुन पिंगो लगी अरे भोजन खाओ है दावत ना राजन में कहा खाई है तेरे घर को भोजन खायो दावत ना खाई राजन में भैया तेरे माँ की छट जाएगी रे तुम्हारी बात राजा महाराजन में दावत तो माल में कैसी कैसी होती है कैसी होती है नौ नौ बजे मोटर राय तो होते है तेने खाई है ना तो तू जाने का तुम बताइयो आज 9 बजे नंबर आए तो कैसे होता एक दिन हमने राजन में दावत खाई दुमंजल पे बैठ के तो पूरी दावत खा चुको बाद में रात को नंबर आओ मैंने रात में को हाथ बढ़ाओ चीले झपका मारो कूलर लोड़ के भरो जब मैं दीवा ना पी 9 बजे में बैठी अरे तो वो 9 बजे नंबर आए तो हैगा वहां तो माता रखो ना ऐसा कुछ नहीं होता है दावते मेरे भाग में नाए
दावत को खानो जागृते छुपे गो जागृते है गो बार बात ऊंचो नाम करिए कुलवाल को भैया। हाँ राजा बुद्ध के यहाँ सब तरह के मेहमान आएंगे। हाँ हाँ और ऊंचा नाम आपके लिए करना होगा। नाम का ये तो ऊंचो कर दूंगा जो आज तक नहीं करोना हो न कर सके। ये तो ऊंचो जब राजा महाराजा में जब मैं पहुंचेंगे तो कोई खाएगो 20 पूरी मैं खाऊंगा 40 कोई खाएगो 40 तो मैं खाऊंगा 80 कोई खाएगा 20 लड्डू तो मैं खाऊंगा 40 लड्डू। अरे खानते ना ऊंचो हो तो चौक कहेंगे ना के साथ को 40 खाएगा वाले सब थूकेंगे कोई नजर में नहीं लाएगा हुआ खान इसरा ऊंचा नहीं होता। और नाम कैसे है होएगो आला ढोला। अरे हेरा हो तमा तो रुपया देने तुम 10,000 अगर कोई चक्कर में 10,000 दे दे तो तुम 20,000 अब तो इसका जवाब भी बंद हो गया। पूरी खाना को ये नहीं कह रहा होगा 40 खा जाऊंगा। जय ट्यूशन तब अंत पढ़ाइए जैसे तैसे मेरे सर के बाहर उड़ गए तेल बेचत बेचत जो दौलत में जोर पाई है तो ना कराने वाले बैठे तक जोर ती माया प्रमोद पे तो कल का हुआ। अगर तू खेरो में वो काम करूंगा सोने की चिलम चांदी को हुक्का और बैठ की पीच राजन में पियूंगा और जो कोई मेरे मुकाबले में दे 10,000 रुपया तो मैं दूंगा 20,000 कोई दो 20,000 तो मैं दूंगा 40,000 कोई दो गैया भैंसिया तो मैं दूंगा 90,000 धन कैसे बढ़े हो तू धन बड़ा बन जाओगे दावत खान दो काम करने जा रहा हूँ राजयोगी करना तू ना खाएगो मेहमानी हमारे दाल बजा के मेरी बजन भैये पानी तुम तो जाओ मेहमानी रे भैयो
आदो ताल, मैंने राजा बुद्ध के पैसा जो खरीदा हुआ है अपने ताल पर पानी पिए लड़ने मैं जा रहा और जहाँ पधीर पानी पिया के ले आऊं और ले ये खुशी से और राठौरी कुलवाड़े से अब तो लोग जाता है। अरे नहीं तेली ने तो ही देर लगाई तेरे पिंगल भी चल के सी मरे दवाई लगी एक तेरी राजा बुद्धी पाई दावत भेजी है, गाना बजाना हो रहा है, आप गाना बजाना सुनो, थोड़ी व्यवस्था हो रही है, उसके बाद में खाना खाना। तब से प्यारे यहाँ से दावत गई है, हमने खाना खाना छोड़ दो, हमारे यहाँ से दावत पहुंची तब से घर पे खाना खाना छोड़ दिया। अगर राजा बन के यहाँ खाएंगे तुम करे दावत में, चलो हमारे यहाँ खाना थोड़ी व्यवस्था में टाइम है, व्यवस्था हो रही है, जब तक गाना बजाना आप सुने और मौज ले, आप जानते हो तो कोई आप गाना सुनाइए। अच्छा गाने वाली है तुम्हारे पास? आप गाने वाली है हमारे पास, तुम्हारे पर बात करेगा? बिल्कुल, आप जानते हो गाना पूछगा गाना बजाने में? हम जानते हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो गाना बजाने वाली हमारे पास तैयार है, आप गाना सुनिए। सुनवा काम हमारे पास होते रहो, अब क्या वोट की तुम्हारे पास कभी नहीं, बकरियां ना खा रही और क्या ये गाने वाली गाना सुनाइए। इनाम पाइए राठौरी आए हैं कुलवाड़े से। जय शंकर की। महाराज महाराज चलते फिरते ज्यादा रे, तो तुम्हें सुना भाई गाने? हाँ महाराज। जय शंकर की। जय शंकर की। क्या बात है, तुम तो पहले बार ही लग रहे हो आज। सोई मारा गाने पहले बार लग रही है। पहले आए तुम, पहले भी आए एक दिन यहाँ पर, तो तुमने गाना सुनो और गाना सुन के तुम नौकरे पत्र का पैसा बहुत दिए, हम पैसा बहुत लाए हैं, मगर तुमने गाना सुनो और दावत खाई और यहाँ से निकल रहे ऐसे ही। पैसा तो तुमने तो ना हुए कोई जब तो देत कहाँ थे पैसा? क्या हाई कोई हाई तो छुट्टियाँ नहीं मार रही, अब अच्छी लग रही है, अब दिंगे देख रहे हो ना, कह रहे हैं नहाई तो ही बहना ही पहले में ऐसी नहाई तो है क्या आई, तो सुनो बैठो एक रात के पैसे लेती हो। मैं
एक रात के ज्यादा नहीं लेती हूँ, कुल 1200 रुपए लेती हूँ। और दिन के? दिन के 700 रुपए। और दो घंटाए? 350। एक घंटा है तो 150। 20 मिलते हैं। और नजर लागी राजा तोरे बने में, मैं
राजा बुद्ध कौन? राजा बुद्ध यहाँ के 500 ग्राम रुपया दे रहे हमारे वास्ते दूध पीने के लिए। राजा बुधुल्ली, राजा बुद्ध, राजा बुधुल्ली 500 ग्राम बुधुल्ली रुपये रुपये जो का कर रहे हो धूप लगा के एक जातु है काची जाते हैं रुपया तो पहले ना के तब 5000 5000 50 एक दो ग्राम रुपया 51 होंगे 51 एक रुपया डाल दोगे तो 51000 तुम्हारी नोछा भर करके और जगह में बिटिया दे रहे हैं। जगह में बिटिया है ना कोई बिटिया ना है तो एक काम कर तू अपनी बिटिया ले ले और मैं अपनी बिटिया ले लूं काची नोछा भर पैसा तो देना नहीं है कोई चुप हटो पल्ला तेली भैया दावत खाने गया है लेकिन आज मुझे भी काम बता के गया है। पानी पिलाने के लिए तो मैं जाऊंगा लेकिन अपनी घरवाली से आके लेके उसके बाद ही पानी पिलाने के लिए जाऊंगा। गुरुदेव जो बात आई है वो मेरे दिमाग में गूंज रही है और इस बात के लिए मैं भूल नहीं सकता। लक्ष्मण गुरु बराबर बैठे हैं पर एक चीज तो कहूंगा कि बालम बोल लूंगी नहीं दाढ़ी मूंछों वाला पर एक चीज और बता रहा हूं।